हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। आप सभी का पंकज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेहूं के विक्रय के बारे में। गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है और यहां पर किसान इसको बेचने के लिए यहां पर तैयार हो चुके हैं। गेहूं की फसल धीरे धीरे कट जा रही है और यहां पर फसल यहां पर सब किसान एकत्रित करके घर में स्टोर कर दे रहे हैं। अब इसको बेचने की बारी आ रही है तो यहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 2015 रुपये रखा गया है, जो कि पिछले साल 2021 में 1950 रुपये था, लेकिन इस बार इसको बढ़ा दिया गया है। अब बात आती है इसको बेचने के लिए कैसे क्या करना है, तो किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सही बात यह है कि यहाँ पर किसान इसका पंजीकरण कराता है, उसके बाद टोकन जनरेट करता है, उसके बाद क्रय केंद्र पर जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिचौले अभी भी काम कर रहे हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए लाया कि किसानों को इसके सही लागत मूल्य मिले, उसकी फसल सही से बिके, जिससे किसानों की आय दुगनी की जाए। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। MSP सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर क्रय केंद्र पर जाओ तो वहाँ पर बिचौलिए जहाँ पर 420 करते हैं। अगर किसान गेहूँ बेचने के लिए जाता है तो वहाँ पर सही रूप से उसका यहाँ पर गेहूँ खरीद लिया जाए तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। बात मैं सच करूँगा, चाहे कोई वीडियो देखे या ना देखे, लेकिन बात यही है कि अभी सारे किसानों को अगर क्रय केंद्र पर जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर बोला जाता है कि अभी मेरा जो लिमिट है वो ख़त्म हो गया है। कहीं बोलेंगे जो बोरा यहाँ पर किसानों के लिए जहाँ बीज भंडारण होता है उसके लिए वो गेहूँ की मात्रा के लिए जो जमा किया जाता है वो ख़त्म हो गया है। कहीं बोलेंगे कि आज सेंटर पे काम नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके लिए यहाँ पर आप वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि यहाँ पर जो किसानों के साथ इस तरह से धोखाधड़ी होती है वो ना हो। नियम यही है कि पहले किसान पंजीकरण कराए, पंजीकरण कराने के बाद इसको लेखपाल के पास ले जाकर सत्यापित करें। अगर 100 क्विंटल से ज़्यादा गेहूँ है तो आप SDM के पास ले जाकर सत्यापित कराना रहता है। उसके बाद सत्यापित कराने के बाद टोकन जनरेट करना रहता है। टोकन जनरेट करने के बाद आपको गेहूँ को क्रय केंद्र पर लेकर जाना रहता है। इसके बाद आपका गेहूँ जब खरीद लिया जाता है उसके बाद एक आपको पावती रसीद दी जाती है। उसके बाद आपके कुछ दिन बाद उसमें PFMS रिपोर्ट लगती है। PFMS रिपोर्ट लगने के बाद उसे एक हफ्ते या दो हफ्ते बाद आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लोग बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि यहाँ पर ज़मीन कैसे ऐड करें, कितनी मात्रा में ऐड करें, क्योंकि किसी किसी ज़मीन में खतौनी में 4 से 5 हिस्सेदार होते हैं, तो उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फार्म को आपको प्रिंटआउट निकालना है और कैसे आपको ले जाकर फार्म को सत्यापित कराना है। 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे और इसी के बीच में यहाँ पर खरीद की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद आपके अकाउंट में बैलेंस आपको ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको इस तरह समय समय पर जानकारी मिलती रहे। गेहूँ खरीद पंजीकरण करने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पर URL में आपको टाइप करना है fcs.up.gov.in, इसको ओपन कर देना है। उसके बाद मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अमृत का आज़ादी महोत्सव इस तरह दिखे कुछ, तो आपको यहाँ से कट कर देना है। अब यहाँ पर यह आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिखा है खरीद हेतु किसान पंजीकरण, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक यहाँ पर लिंक आ रहा है कि किसान बंधु गेहूँ क्रय हेतु अपना मोबाइल नंबर व बैंक में खाते को आधार से लिंक होना चाहिए, यानी आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपका आधार जो है आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक होना चाहिए, यानी आपकी बैंक KYC होनी चाहिए, आपके आधार मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पर गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर 5 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले जाना, यहाँ पर आगे बढ़े का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको किसान का आधार नंबर डालना, कैप्चा डालना, इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक करना है। आपका इस तरह से पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके पहले आपने धान बेचने के लिए अगर पंजीकरण किया था या इसके पहले कभी पंजीकरण किया था तो आपका पुराना डाटा ही यहाँ पर सारा ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको संशोधन करना है। अगर आपने पहली बार कभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर किसान का नाम इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ओल्ड रजिस्ट्रेशन किया है तो इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधार में लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, जो आधार में लिंक हो वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से पिता का नाम लिख देना। यहाँ पर किसान की श्रेणी कौन सी है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो इन किसान की कैटेगरी हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर किसान का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से पूरा पता आपको लिख देना है, यहाँ से अपना घर का पूरा पता यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले जाएंगे, एक ऑप्शन यहाँ पर दिखा है गेहूँ बेचने हैं तो परिवार के एक नामित सगे सदस्य का विवरण, यानी आपके घर में जिसके नाम से ज़मीन है अगर उनकी एज ज़्यादा हो गई है तो किसी एक के नाम आपको यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। क्या आप गेहूँ बेचने हैं तो परिवार के एक सदस्य का नाम नामित करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। उसके बाद जो नाम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जिसका नाम यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, उनके बच्चे का किसी एक का नाम जो वहाँ पर क्रय केंद्र पर जाकर सारा काम करा सके, उसका यहाँ पर नाम लिख देना है।
जो आधार में लिखा हो, उसके बाद जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल, उसके बाद यहाँ से संबंध क्या है जो कि, तो आप चाहें तो यहाँ पर पुत्र का ऑप्शन दिया गया, इस पर पुत्र पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार संख्या डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर नीचे चले आना है। अब आपको यहाँ पर ज़मीन का विवरण डालना है, ज़मीन अगर आपका रिन्यूअल है तो आपका पहले से कुछ इसमें पहले से सेव रहेगा, अगर आप नया कर रहे हैं तो इसमें आप और भी चेंजेस कर सकते हैं, उसमें खतौनी और जोड़ सकते हैं। अगर आपने खतौनी नहीं जोड़ा है, एक भी खतौनी नहीं है, तो आपको इस तरह से नया टैब ओपन कर लेना है। नया टैब ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है ब्राउजर में भूले एक यूपी, जैसे भूलेख यूपी खोलेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर upbhulekh.gov.in लिंक, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली ओपन कर लेने। उसके बाद यहाँ से आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जिला कौन सा है, जिला सेलेक्ट करने के बाद तहसील, उसके बाद यहाँ से अपने ग्राम सभा पर क्लिक कर देंगे, जो आपका ग्राम सभा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप अब यहाँ पर खसरा खाता संख्या डालकर यहाँ पर आप खोज सकते हैं, जमीन का खाता संख्या डालकर खोज सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपके पास, तो खातेदार का नाम यानी किसान का नाम यहाँ से आपको क्लिक कर देना है, जो किसान का नाम होगा यहाँ से सर्च कर लेना, उससे मिलते जुलते यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो यहाँ से आपको यहाँ पर ये दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर डिटेल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस किसान की मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर उद्धरण देखें, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा लिख कर आ जाएगा, आपको कैप्चा देखना है, कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर खतौनी खुल जाएगी, ये खाता संख्या है, ये खसरा संख्या है। अगर आप जमीन का डिटेल डालने की बात मैं करूँ, तो यहाँ पर जो होता है कि आप खसरा संख्या जो होता है, खसरा जो लेखपाल अपने हाथों से पेन से लिख कर देता है, तो उसमें रहता है कि इस यहाँ पर इस ज़मीन में, यहाँ पर इस खाता संख्या में, इस खसरा संख्या में किसान की इतनी ज़मीन है। अगर आपके पास खसरा संख्या नहीं है, तब भी यहाँ से जो आपका नाम हो उसके सामने से अपना यहाँ पर खसरा संख्या देख लेंगे, और यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़मीन आपको ऐड कर देना है, जिससे यहाँ पर क्रय केंद्र पर आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यहाँ से चाहें आप यहाँ से चेंज भी कर सकते, बैक कर देंगे, जैसे बैक कर देंगे तो यहाँ से दोबारा आपको क्लिक कर देना है। दोबारा क्लिक करने के बाद यहाँ से नाम डाल के आपका सर्च कर लेना है, यहाँ से वर्ड को आप जो किसान का हो यहाँ पर पूरा नाम आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर खाता संख्या दिया गया है, इस तरह से आपको अपने नाम के सामने क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख ले, इस तरह से खतौनी आपकी खुलकर आ जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पर नाम ऐड करना है तो यहाँ पर आपको कुछ संशोधन करना हो संशोधन कर सकते हैं, जमीन जोड़ना हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सब दिया रहेगा, जनपद, यहाँ पर तहसील, उसके बाद यहाँ पर परगना यानी आपका जो यहाँ पर ब्लॉक हो उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका यहाँ पर हो उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर आपका ग्राम का नाम आएगा, तो यहाँ से आपका ग्राम का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ग्राम का नाम आपको देख लेना है, जहाँ पर ज़मीन हो वहीं पर आपको सेलेक्ट करना है, ना कि आपका घर जहाँ हो, जहाँ खेत हो वहीं आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर खाता संख्या दिया गया, तो इस ज़मीन का मैं यहाँ पर ये खाता संख्या इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ मैं नाम खोजे पर क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर अभी किसान का पूरा डाटा आ जाएगा, यहाँ पर किसान का नाम दिया गया है, तो जो इस यहाँ पर इतने एक खतौनी में यहाँ पर इतने किसान हैं देख लिए, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सारे किसानों का नाम यहाँ पर शो हो रहा है, तो जो किसान उसमें हो उसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उस पर जब क्लिक कर देंगे यहाँ पर विलेज वेट लिख कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका दिया गया खाता भूमि का विवरण जोड़ने, तो भूमि का विवरण जोड़ने पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब क्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ होने लगेगा, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ये आपका जोड़ने के लिए आ गया है, तो यहाँ पर नीचे आपको चले आना है स्क्रॉल डाउन करके। अब यहाँ पर ये यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, तो यहाँ पर जिस किसान के लिए मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस किसान के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आपके किसान का एक खसरा नंबर है। उसके बाद यहाँ पर एक कुल रकबा दिया गया है, कितना कहाँ है, ये कुल हिस्सेदारी दी गई है, अगर आपके पास उसमें खसरा हो तो उसमें पूरा आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये ज़मीन का ये विवरण दिया गया है, इस हिसाब से यहाँ पर आपको जो किसान की जितने ज़्यादा उसमें जितनी हिस्सेदारी हो उसको यहाँ पर आपको जोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लगभग भी डाल देंगे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लेखपाल रिपोर्ट लगा देगा, जो कम ज़्यादा होता है तो वो लेखपाल का काम है, वो उसमें मात्रा आपको कम ज़्यादा कर सकता है। जैसे यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा ज़मीन ऐड कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास कम गेहूँ है तब भी लेखपाल उस तरह से यहाँ पर कम करके रिपोर्ट लगा देगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खतौनी लगाए रहेंगे यहाँ पर ये मात्रा कम भी रहेगी, तो यहाँ पर लेखपाल खतौनी ज़्यादा रहती है तो उसके बाद वो मात्रा बढ़ाकर भी वहाँ पर रिपोर्ट लगा देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको खतौनी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लगाना है, जिससे यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर सारा डिटेल इस तरह से यहाँ पर कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है, सारा डिटेल यहाँ से आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर कुल रकबा कितना है, जितना रकबा हो यहाँ पर ये दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर किसान की हिस्सेदारी कितना है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर गन्ना या गेहूँ जो भी जहाँ था इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो आपके भूमि में बोए गए गन्ने की रकबा हेक्टेयर में, तो यहाँ पर आपको इसको 0-0 कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपने गन्ने के नहीं गेहूँ के लिए आप यहाँ पर कर रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर भूमि में अन्य फसल का रकबा, तो यहाँ पर अन्य फसल का रकबा यहाँ भी आपको 0-0 कर देना है, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका गेहूँ का ये मात्रा है उसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद सुरक्षित करने पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर ऐड हो चुका है। इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कुल योग कितना बता रहा है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर टोटल ये 51 क्विंटल का यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आप इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले वाले में यहाँ पर संशोधन करना चाहता हूँ, उसके बाद इस वाले ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर इतने कुंटल 36 क्विंटल के आसपास बन रहा है, इसमें भी आप करेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ से आपने सारी ज़मीन यहाँ पर ऐड कर दी, अगर संशोधन करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको संशोधित करने पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आपकी थोड़ी ज़मीन कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा परेशानी होने की नहीं है। यहाँ पर आपको चेंज कर देना है। इस दोनों ऑप्शन में 0-0 रहेगा, जो मात्रा यहाँ रहेगी वही सेम मात्रा आपको ज़मीन का यहाँ भी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर सुरक्षित करने पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 46 क्विंटल गेहूँ अपना बेच सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर किया है। इस हिसाब से आपने ज़मीन जितना ज़्यादा हो जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास खसरा रहता है तो लेखपाल उसका पूरा डिटेल आपको लिख के यहाँ से देता है कि इतने खाता संख्या में इतने किसान की ज़मीन है। अगर खसरा संख्या नहीं रहता है तो आप लगभग के अंदाज में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा खतौनी ऐड करना है, जब वहाँ पर लेखपाल रिपोर्ट लगाए तो उसको यहाँ पर वो प्रॉब्लम ना हो। अगर ज़्यादा ज़मीन रहती है तो वहाँ पर ये मात्रा जो है उसको वेरीफाई कर देता है, फिर यहाँ पर ये ज़्यादा। इस तरह से सारी चीज़ यहाँ होने के बाद आपको यहाँ पर इस कैप्चा को यहाँ पर भर देना है। कैप्चा को भरने के बाद उसके बाद यहाँ पर आप सेव, पहला नया रहेगा तो आपका सेव करेंगे, उसके बाद पुराना रहेगा संशोधित करेंगे। यहाँ पर सारा डाटा आपका सेव हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर ये आपका पंजीकरण हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, चलिए मैं दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर स्टेप 4 में चलना है, पंजीकरण लॉक में। अगर आप कुछ कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो पंजीकरण संशोधन में क्लिक करके इसमें आप अभी भी संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका पुराना रहेगा तो यहाँ पर खाता संख्या जो मैंने देखा आपको नहीं डालने का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये रिन्यूअल है। अगर आपका पुराना रहेगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको खाता संख्या भी, उसका भी डिटेल डालना पड़ेगा, एक ऑप्शन उसमें आता है। अब क्या हो गया है, अब आधार से लिंक कर दिया गया, आपका आधार नंबर डाले जाएंगे, उसमें आपका अकाउंट ऑटोमेटिक शो होने लगेगा, उसी हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। पहले क्या होता था, यहाँ पर रिन्यूअल वाले में यहाँ पर खाता संख्या नहीं मांग रहा, बल्कि फ्रेश वाले में अगर ऑप्शन मांगे तो यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। अगर ना मांगे तो आपके आधार के माध्यम से यहाँ पर पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, अगर कुछ चेंज करना हो, यहाँ पर मिलाना हो तो मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है पंजीकरण को लॉक करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फॉर्म को लॉक करने से पहले सारी चीज़ें आपको एक बार मिला लेना है। आधार नंबर कैप्चा डालने के बाद बॉक्स क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। आपको फॉर्म को चेक कर लेना है। यहाँ पर ये आपका किसान का नाम दिखाएगा, यहाँ पर उसके पिता का नाम, पूरा डिटेल यहाँ पर शो होगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, घोषणा पत्र उसके लॉक करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो किसान का मोबाइल होगा जिसमें आधार मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP चला जाएगा। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो यह तस किसान का सफलतापूर्वक लॉक हो गया है। लॉक होने के बाद यहाँ पर फाइनल प्रिंट आउट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर किसान का आधार नंबर आपको दोबारा डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जब फॉर्म लॉक करें तो आपको ध्यान देना है, फॉर्म लॉक करने के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है, तो आपको फॉर्म को लॉक करने से पहले देख लेना है। उसके बाद अगर आप फॉर्म, उसके बाद यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले आना है। यहाँ पर सारे सेक्शन यहाँ पर लंबित दिखा रहा है, जब इस पर लेखपाल रिपोर्ट लगा देगा दोबारा आप इस तरह से लॉग इन करके यहाँ पर दिखने आएंगे। यहाँ पर पंजीकरण फाइनल लॉक प्रिंट आउट पर देखेंगे तो यहाँ पर ये सत्यापित दिख कर आ जाएगा, ये लंबित हट जाएगा। उसके बाद जब ये सत्यापित दिख जाएगा उसके बाद टोकन जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। अभी फिलहाल क्या है, गेहूँ का क्रय केंद्र अभी यहाँ पर टोकन जनरेट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये भी कुछ दिन बाद यहाँ पर जब गेहूँ का क्रय केंद्र चालू खोल दिया जाएगा, जब सारे सेंटर क्रय केंद्र खुल जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर अगर टोकन का ऑप्शन दिया रहेगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा टोकन जनरेट करें। कई बार ऐसा होता है कि टोकन का ऑप्शन नहीं दिया रहता है, किसान को पंजीकरण करने के बाद, फार्म को सत्यापित करने के बाद डायरेक्ट ले जाकर आपको क्रय केंद्र में देना रहता है। लेकिन अभी ये देखना है कि यहाँ पर टोकन का ऑप्शन देते हैं या नहीं देते हैं। अगर टोकन का ऑप्शन दे तो आपको टोकन जनरेट कर लेना है, नहीं तो आपको पहले जाना है, एक दिन पहले क्रय केंद्र पर बात कर लेना है, उसके बाद दूसरे दिन आपको ले जाकर गेहूँ को वहाँ पर तौल करा देनी है। अगर टोकन का ऑप्शन आता है तो उस डेट को आपको टोकन जनरेट कर लेना है उतनी मात्रा में, तब आपको क्रय केंद्र पर ले जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर अपना पंजीकरण कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका दिया गया है भुगतान की स्थिति, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको किसान का आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है।
कैप्चा डालने के बाद इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर अभी प्रिय किसान बंधु आपके आधार पर सत्यापन लंबित है, यानी जो अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया गया है उसका अभी सत्यापन लेखपाल के द्वारा नहीं हुआ है, सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद जब आपका गेहूँ बिक जाएगा, बिकने के बाद कुछ दिन बाद यहाँ पर आपका रिपोर्ट शो होने लगेगा। जब आपका गेहूं बिक जाएगा तो यहाँ पर आपके पेमेंट की डिटेल यहाँ पर दिखाने लगेगी और पैसा कहाँ रुका है वो भी यहाँ पर दिखाने लगेगा। अगर आपके खाते में हो जाएगा तब भी यहाँ पर शो होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिया गया है किसान को यहाँ पर आधार जो मोबाइल नंबर है उसको जरूर लिंक करा लेना, खाते की KYC जरूर करा लेना है। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे पंजीकरण किया गया है, पंजीकरण आपका हो गया है, आपको पंजीकरण का जो प्रपत्र है आपका ये फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेना है, साथ में आधार कार्ड की फोटो कापी, बैंक पासबुक की फोटो कापी और आपको डिजिटली खतौनी लगाकर आपको ले जाकर लेखपाल से सत्यापित करा लेना है। अगर 100 क्विंटल से ज़्यादा मात्रा है तो आपको ले जाकर उप जिलाधिकारी यानी SDM से आपको इसको सत्यापित करा लेना है। अभी क्या है, अभी टोकन जनरेट 15 अप्रैल के बाद होगा, अभी 15 अप्रैल के बाद यहाँ पर खरीद चालू कर दी जाएगी, उसके बाद आपका टोकन भी जनरेट होने लगेगा। उसके बाद बताऊंगा कैसे आपको टोकन भी जनरेट करना है, टोकन जनरेट करने के बाद तब आप अपना गेहूं को ले जाकर क्रय केंद्र पर ले जाएं, लेकिन को फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म को सत्यापित जरूर करा लेना है। तो ये था फॉर्म भरने का प्रोसेस, उसके बाद आपको यहां पर गेहूं को ले जाकर बेच देना है, बेचने के बाद आपके PFMS रिपोर्ट माध्यम से आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। अगर आपके बैंक में KYC नहीं है तो आप बैंक KYC करा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आधार के ही माध्यम से सीडिंग होती है, उसके माध्यम से आपके खाते में पैसा भेजा जाता है। और यहाँ पर किसान सम्मान निधि की राशि भी अप्रैल में आने वाली है, उसके बाद यहाँ पर दूसरी किस्त होती है अगस्त में आती है, तीसरी किस्त यहाँ पर आपके दिसंबर में भेजी जाती है। तो इस तरह से किसान सम्मान निधि की राशि आने वाली है, गेहूं की फसल आपके कट कर तैयार हो गई है, आप इसको ले जाकर क्रय केंद्र बेचें, बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े। बिचौलिए बहुत ज़्यादा अभी भी मात्रा में वहाँ पर क्या होता है कि क्रय केंद्र में जाने के बाद वहाँ पर किसान ट्रैक्टर लेकर खड़े रहते हैं लेकिन वहाँ पर बिक्री नहीं होती है। ये सब प्रॉब्लम अभी भी MSP लगने के बाद भी ये सब प्रॉब्लम हो रही है। इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि FCS अधिकारियों के पास ये वीडियो पहुँचे, जिससे वो भी जाने कि हाँ बिचौलिए बीच में क्या कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इसी तरह समय समय पर आपको मैं वीडियो बनाकर अपडेट देता रहूँगा। अभी ये मेरा नया चैनल है, आप मुझे वीडियो में कमेंट सेशन करके छोड़ सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, PankajGyan0 मेरी ID है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।